हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। GSTR 9 जो कि है हमारा एनुअल रिटर्न और फाइल करने की लास्ट डेट है 31 दिसंबर। मे बी की डेट एक्सटेंड हो जाए, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, इसीलिए आप लोग 31 दिसंबर को ही लास्ट डेट मानकर चलिएगा और जल्दी जल्दी सारी प्रिपरेशन कर लीजिए GSTR 9 की, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म तो अवेलेबल है इसका, तो आप उसको देख के पता कर सकते हैं कि आपको क्या क्या डेटा चाहिए GSTR 9 में फिलअप करने के लिए। अकॉर्डिंगली आप अपनी तैयारी पूरी रखिए 31 दिसंबर तक के लिए। चांसेस हैं कि एक्सटेंड हो जाए, लेकिन मे बी ना एक्सटेंड हो, तो इसलिए आप लेट मत करिएगा, क्योंकि GSTR 9 अगर आपने लेट फाइल करी तो पेनल्टी भी है, 100 रुपीज़ पर डे की पेनल्टी है, इसलिए डाटा रेडी रखिएगा। आज के इस छोटे से वीडियो में हम सिर्फ इतना जानेंगे कि GSTR 9 किनको फाइल करनी है और किनको नहीं फाइल करनी है। इन केस आपको कंफ्यूजन है कि आप GSTR 9 फाइल करेंगे या नहीं, तो बस आप सिंपली ये वीडियो देखिए और इसमें जो जो पॉइंट्स बताए हैं बस उनको ध्यान रखिए, बाकी आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। GSTR 9 किन्हें नहीं फाइल करनी है बहुत क्लियरली हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि GSTR 9 किनको फाइल करनी है। Who should file GSTR 9 annual return? All the registered taxable persons under GST must file GSTR 9 form. जो भी taxable persons हैं, जो registered हैं GST के अंदर, उनको GSTR 9 form file करना है। लेकिन यहाँ पर कुछ exceptions दिए गए हैं जिनको कि GSTR 9 file नहीं करना है, although कि वो registered हैं GST के अंदर। भले ही वो GST के अंदर registered हैं, लेकिन ऐसे कुछ पर्संस नोटिफाई किए गए हैं जिनको कि GSTR 9 फॉर्म फाइल करना जरूरी नहीं है। पर्संस नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल GSTR 9। कैजुअल टैक्सेबल पर्संस, ये कौन लोग होते हैं? अ पर्सन हु सप्लाइज टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज, वो लोग जो कि टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करते हैं। ओकेजनली इन अ टैक्सेबल टेरिटरी वेयर ही डज नॉट हैव अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि वो लोग जो कि टैक्सेबल गुड सर्विसेज सप्लाई करते हैं कभी कभी ओकेजनली इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, जहाँ पर कि उनका फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, ऐसी जगह पर गुड्स सप्लाई करते हैं जहाँ पर कि उनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, उन्हें बोला जाता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। The person can act as a principal or agent or in any other capacity supply goods or services for the furtherance of business. Person as a principal भी हो सकता है और as a agent भी हो सकता है और any other capacity में भी वो supply कर सकता है goods or services. तो ऐसे लोग casual taxable persons, इनके ऊपर liability नहीं है GSTR 9 form file करने की। जैसे कि किसी person का principal place of business हैदराबाद है, वो हैदराबाद में registered है GST के अंदर, लेकिन वो दिल्ली में भी कभी कभी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करता है, लेकिन दिल्ली में उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो उस व्यक्ति को दिल्ली के अंदर अपने को एज अ कैजुअल पर्सन रजिस्टर करवाना होगा GST में। तो ये होते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स, जिनका कि कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है उस स्थान पर जहाँ पर कि वो गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं। दूसरे कौन से हैं हमारे? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इज अ बिजनेस विच रिसीव्स इनवॉइसेस फॉर सर्विसेज यूज्ड बाय इट्स ब्रांचेस। इट्स डिस्ट्रीब्यूट्स द टैक्स पेड टू सच ब्रांचेस ऑन अ प्रोपोर्शनल बेसिस बाय इशूइंग ISD इनवॉइस। ये कौन लोग होते हैं? फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कोई मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर जिसका कि हेड ऑफिस दिल्ली में है, लेकिन उसकी कई ब्रांचेस हैं पंजाब, हरियाणा, हैदराबाद एक्सेट्रा, 3-4 ब्रांचेस हैं उनकी, और जो हेड ऑफिस यूनिट है वो कुछ ऐसी इनवॉइसेस रिसीव करती है जिन इनवॉइसेस में उन ब्रांचेस का भी मेंटेनेंस इंक्लूड है, लेकिन वहाँ पर हमें फिगर्स नहीं पता है कि हम कितना ब्रांचेस में सेग्रीगेट करेंगे। जैसे कि उन सारी यूनिट्स की एडवर्टाइजिंग या फिर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कॉस्ट है वो सारी हेड ऑफिस पेमेंट करता है, वो सिंगल ब्रांचेस पेमेंट नहीं करते हैं, हेड ऑफिस से सारा पेमेंट होता है, तो हम किस तरह से उन इनवॉइसेस का अमाउंट सेग्रीगेट करेंगे, उनका टैक्स पेड किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल ब्रांचेस तो पेमेंट कर नहीं रहे हैं, सारा पेमेंट हेड ऑफिस की तरफ से हो रहा है, इसलिए उन लोगों को हम बोलते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जिनके पास की ऐसी इनवॉइसेस होती हैं जो सर्विसेज ब्रांचेस यूज कर रही हैं। तो इस तरह की यूनिट्स को अपने को रजिस्टर करवाना होता है एज एन ISD,
और ये आईएसडी यूनिट्स अपने टैक्स को, जो उन इनवॉइसेस का टैक्स है, उनको प्रोपोर्शनेट बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ब्रांचेस को. इनको बोलते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स, और इनको भी जीएसटीआर 9 फाइल करने की लायबिलिटी नहीं है. The branches can have different GSTIN but must have the same PAN as that of ISD. जो भी branches हैं उनका और head office का different GSTIN हो सकता है, लेकिन PAN number same रहेगा ISD unit का और branches का. तीसरे हैं हमारे non-resident taxable persons. Any person who occasionally undertakes transactions involving supply of goods or services or both, whether as principal or agent or any other capacity, but no fixed place of business or residence in India. वो लोग जो कि occasionally transaction करते हैं इंडिया में, लेकिन इंडिया के अंदर उनका कोई fixed place of business या residence नहीं है, whether as a principal or agent or in any other capacity, उनको बोलते हैं non-resident taxable persons. और इनको भी GSTR 9 फाइल करने की लायबिलिटी नहीं है. चौथे हैं हमारे पर्सन्स पेइंग TDS अंडर सेक्शन 51 ऑफ द CGST एक्ट. तो ऑल द डिपार्टमेंट्स जो भी नोटिफाई किए गए हैं अंडर सेक्शन 51, उन सब पर भी GSTR 9 फाइल करने की लायबिलिटी नहीं है. वो सभी डिपार्टमेंट्स जिन पर की लायबिलिटी है TDS डिडक्ट करने के लिए, उन्हें GSTR 9 फाइल करना कंपल्सरी नहीं है, मीन्स करना ही नहीं है उन्हें फाइल. तो ये सभी पर्सन्स हैं जिनको कि GSTR 9 फाइल नहीं करना है. TDS के अलावा जिन लोगों पर TCS कलेक्ट करने की लायबिलिटी है, जैसे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, उन पर भी लायबिलिटी नहीं है GSTR 9 को फाइल करने की. ये पॉइंट मैंने यहाँ पर मिस कर दिया था. तो TCS कलेक्ट करने पर भी लायबिलिटी नहीं है GSTR 9 फाइल करने की. ये सभी पर्सन्स नोटिफाई किए गए हैं जिनको कि GSTR 9 फाइल नहीं करना है. इनके अलावा जितने भी पर्सन्स बचे हुए हैं उन सबको GSTR 9 फाइल करना है. GSTR 9 के फॉर्म्स कौन कौन से हैं? 9 तो सभी को फाइल करना है. 9A है कॉम्पोजिशन डीलर्स के लिए, 9B है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए, 9C है जो भी लोग GST ऑडिट में कवर होते हैं, यानी कि जिनका कि टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा का, उन्हें GSTR 9 और GSTR 9C दोनों ही फाइल करनी है. तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो आपके किन लोगों को GSTR 9 फाइल करना है और किन को नहीं करना है. होप आपको पसंद आया होगा. अगर पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.